भोजुपट्टि लोग निके बातलाई भोजु ठुलो दादाले सरी 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 जुम 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 हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं और रिधान अब हम लोग निकल रहे हैं हमारे मामा के घर। तो हालांकि मैंने सभी को यहाँ पे बोल दिया था, लाइक मम्मी को भी, भारती फूफा को भी मैंने बोल दिया था, साथ ही साथ सोना को भी बोला था कि तुम लोग आज सब आ जाओ। तो अब देखते हैं कि वहां पर कौन कौन पहुंचा है और कौन कौन नहीं। तो मैं अभी जा रही हूँ मेरे मामा के घर, तो वहीं पर जाके हम लोग मैं बताने वाली हूँ कि आज हम लोग सभी वहां पे किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तो लेट्स गो। एंड रिधान जो राहुल जो है अभी रिधान को तैयार कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रही रिधान हमारी, ऑलरेडी तैयार, मैंने इसको ऑलरेडी तैयार कर दिया है, माँ की गोद में है अभी। और राहुल ने जो है यहाँ पे उसकी जो स्ट्रॉलर है रेट तैयार कर दिया है। ये बहुत ज्यादा शरारती हो गया मेरा, लाइक तो हियर इज अवर रिधान, सो ही इज ऑल्सो रेडी इवन मी। तो अब हम लोग निकलते हैं, तो चलो बाय राहुल, बाय बाय बोल दो, बाय 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 सभी को बाय। चलो बाय। तो चलो अब हम लोग चलते हैं ना, लेट्स गो। तो ये रे हम लोग यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, एटलीस्ट हम लोग घर के रास्ते तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन आ चुके हैं, लेट्स गो। और सबसे पहले यहाँ पर आते ही मुझे मालूम है अगर कोई बाहर हो तो मुझे तो सी, मतलब मुझे देखने के लिए तो नहीं आएंगे, डेफिनेटली विधान के लिए ही दौड़े चले आएंगे। तो लेट्स गो एंड सी कौन कौन है घर पे, कौन कौन आ गए हैं, जिस जिसको मैंने फोन करके बुलाए थे। तो लेट्स सी। घर खाली, कोई भी नहीं है घर पे। तो यहाँ पे पिता मामा ऑलरेडी रिधान को ले चुके हैं, यहाँ पे है मामी ऑलरेडी, और हमारी उसादी भी आज आए हुए हैं, और पिता मामा इज हियर, और बाकी तो सब घर अंधेरा है। मम्मी लैंडिंग जो मित्र क्या बात। तो हमारे भारती फूफा भी अभी आ गए हैं, मैंने भारती को बुलाया था, जोर लगाओ दस, भारती भी ऑलरेडी हियर, जोर लगाओ, शक्ल अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। ये रहा दे रही है हमारी सोना दीदी, अभी आ गई है, इनकी भी एंट्री हो गई अभी। मम्मी खाई ए कुकुर खेदाउँदैछ, अब पालेको कुकुर भन्नु पर्दैन, त्यो गाडो गाडो थियो। के छ खबर? फ्याँकिदिन्छ अहिले, एक खेप फ्याँक्यो भने घरि घरि फ्याँकिदिन्छ, अब त्यो मोसनले नै फ्याँक्छ। हेर्नु ल, दिनुहोस् फेरि फेरि दिनु, त्यसले त्यसरी नै फ्याँक्छ। अब यो जबरजस्ती यसै फ्याँकेका, यो देख
अब ओ हेर बदमाश तो रही यहाँ पे मम्मी भी आ रही है उस अगड़ी आईपुगे थे मंदा अगड़ी आईपुगे थे एक साथ रही हमारी मम्मी भी अभी आ गए हैं यहाँ पे दीदी कैसल बोकू बोकू कर दिन वायरस ए वायरस वायरस है वायरस भैर इसलिए बोजू की गोद में नहीं जाए औजी की गोद में नहीं जाएगा आज पापा भी आ गए यहाँ पे मेरी दान को गोद में लेके बैठे हुए भी ठुलो भोलि छैन भोजपट्टी लोग्ने के खुट्टा उचालेर बसिरहेको यहाँ पे खुट्टै बसोस् फर एक्जाम्पल मतलब नमुना हिसाबमा नमुना दिएको भनौँ न अब भन्ने कुरा त अब हामी जुठोमा छौँ उत्तम बाबा पित्तम हेरे पछाडि अरेन्जमेन्टको लागि चाहिँ लाइक अब बाहिर नै हुन्छ तर मैले चाहिँ अलिकति अब ब्लगहरू पनि गर्छु त म ब्लगहरू पनि गर्छु त्यही भएर चाहिँ दिलवरकोबाट चाहिँ छाता दुईटा छाताको लागि चाहिँ मैले भनेको छु र टुनी लाइट हामी आएर टुनी लाइटहरू चाहिँ आफै नै हामी घरको मान्छेहरू नै ट्याक ट्याक लगाइहाल्नु सकिन्छ हो अन्त छाता लगाउनु चाहिँ अलिक राम्रो लाग्छ नि त लाइटहरू त घरमै छ टुनी लाइटहरू लगाएर मजाले राम्रो देख्नु खालको तो लाइक मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैंने सभी को यहाँ पे बुलाया है कुछ डिस्कशन करने के लिए तो वो डिस्कशन रिगार्डिंग पिकनिक था तो हम लोगों ने सोचा था भयो म भन्नु बोलो बोल्नु त दिँदैन तो लाइक हम लोगों ने सोचा था कि सैटरडे के दिन हम लोग पिकनिक करेंगे तो हम लोगों ने सोचा था कि सैटरडे के दिन हम लोग यहाँ पे पिकनिक करेंगे बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा काम आ गया कि सैटरडे के दिन हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले हैं देन वी हैव डिसाइडेड तो हमारा डेट थोड़ा सा और पोस्टपोन हो गया है तो हमारा जो पिकनिक है ना वो पोस्टपोन होके 11 तारीख को करना है थर्सडे क्योंकि 12 तारीख को छुट्टी है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जयंती है तो लाइक 11 तारीख को रात को हम लोग यहाँ पे पिकनिक करने वाले हैं तो अभी फाइनलाइज हो रहे हैं कि क्या क्या मेन्यू में क्या क्या रहेगा क्या क्या नहीं और कितने मेंबर्स रहेंगे तो कितने करके कलेक्शन हम लोग करने वाले हैं तो वो सारा सब कुछ अभी डिसाइड हो रहा है हमारे अच्छा
सरस्वती बडी खेल्दैन भनेर हेर्न न तो आखिर में बात ऐसा है कि हम लोग पिकनिक करने वाले हैं 11 तारीख को क्योंकि 12 तारीख को छुट्टी है तो इसलिए हम लोग मेन्यू में है चिकन मटन शायद बंद गोभी जो है कैबेज वो है पकौड़े होंगे दाल चावल अलग से वो तो होगा ही ठीक है और स्नैक्स में जो होगा दैट विल बी लाइक चिकन पकौड़ा इज एंड ऑल सो फाइनली हम लोगों का मेरा जो आना था वो फाइनल हो गया है तो हम लोगों ने सोचा था कि हमारी पिकनिक जो है ना सैटरडे को करेंगे बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोई है कोई नहीं है लाइक हमारे भोला खेलने के लिए गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट खेलने के लिए गया है तो वो यहाँ पे मतलब प्रेजेंट नहीं होगा उस दिन तो हम लोगों ने सोचा कि लाइक यू नो वो भी अगर हो पिकनिक के अंदर फैमिली गेट टूगेदर में अगर एक इंसान भी कम होना तो अच्छा नहीं लगता तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सब इकट्ठे होके ही हम लोग खेलेंगे तो फाइनलाइज हो गया है दैट इज ऑन 11 तारीख तो अब हो गया है तो अब हम लोग भी निकलते हैं तो लेट्स गो नो 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 जुम 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 ओके 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 सॉरी 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 जुम 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 बाबू लो आई हैव सीन दैट लो बाय सभी जना बाय सभी को बाय बाय तो रिदान तो आगे जा चुका है अभी लो बाय